गाइस देखो, हेडशॉट रेट कौन नहीं बढ़ाना चाहता यार। मतलब लिटरली हर एक बंदा चाहता है कि उसका हेडशॉट रेट एटलीस्ट 70 या फिर 80% तक हो, ताकि जब कोई प्लेयर उसका प्रोफाइल को इंस्पेक्ट करे तो उसको मतलब हेडशॉट रेट देख के काफी ज्यादा बंदा शॉक हो जाए कि लगे कि हाँ भाई, ये बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा हेडशॉट मारता है, इसका हेडशॉट रेट तो भाई बहुत ज्यादा है। देखो मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना हेडशॉट रेट 80% तक भी अगर आप लोग कर लेते हो, पर 90% करने में आपका हवा टाइट हो जाता है। बट बिलीव मी, अगर आप लोग 90% हेडशॉट रेट अपना कर लेते हो ना, तो लिटरली आपको हर एक बंदा हैकर बोलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको हैकर बोल रहा है तो इसलिए आपको हेट मिल रहा है, उल्टा आपका एक पॉपुलरिटी बढ़ रहा है कि मतलब हर कोई बोलेगा भाई देखो इसका हेडशॉट रेट भाई 90% से ऊपर है, भाई ये हैकर जैसा खेलता है। मतलब आपका पॉपुलरिटी सोचो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपका हेडशॉट रेट अगर 90% के ऊपर हुआ ना गाइस, तो क्या ही बोलूं भाई, अलग ही पॉपुलैरिटी आ जाएगा आपके ऊपर। तो ये वीडियो स्पेशली हेडशॉट रेट के लिए है, आप लोग भी बहुत ही इजीएस्ट वे में हेडशॉट रेट इंक्रीज कर पाओगे। तो यार वीडियो को मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है? अभी तक वीडियो पे आए हो तो लाइक कर दो, वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो गाइस अभी बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 1, जो कि है व्हाट इज योर स्ट्रांगेस्ट गन, मींस कौन सी गन आप बहुत ही खतरनाक चलाते हो जिसमें आप हमेशा रेड शॉट ही मारते हो। देखो यार, बहुत सारे बंदा शॉट गन चलाते हैं, बहुत सारा बंदा SMG चलाते हैं। SMG में आपका UMP है, MP40 है, ठीक है? SMG गन में क्या होता है ना, मेरा हिसाब से SMG गन में ज़्यादा हेड शॉट रहता है, ठीक है, लगता है। क्योंकि देखो यार, शॉट गन जब आप चलाते हो ना, शॉट गन में एक दो शॉट येल्लो भी लग जाता है, उसके साथ हेड भी पड़ता है। तो कभी कभार क्या होता है ना, आपका जो किल होता है ना, वो बॉडी शॉट में होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग SMG में शिफ्ट करके देख सकते हो। मीन्स SMG में क्या होता है ना, रेट ऑफ फायर की वजह से बहुत ही हेडशॉट ज़्यादा लगता है, ठीक है? आप लोग को तो पता ही है UMP से बंदा लोग कितना खतरनाक हेड मारता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? शॉटगन को मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई शॉटगन को अवॉइड करो, शॉटगन भी अच्छा गन है, लेकिन शॉटगन में ना बॉडी शॉट लगने के चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि आप लोग भी देखो, बहुत बार क्या होता है ना, हेडशॉट लगता है उसके साथ साथ बॉडी शॉट भी लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग SMG में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना? इसके बाद जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है, कभी भी आप लोगों को डैमेज एनिमी पे फायर नहीं करना है। तो देखो, कोई भी बंदा अगर डैमेज हो तो सबसे पहले उसको आप लोगों को मेडिकेट मारने देना है। एक बार जब भी उसका फुल हेल्थ हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को मारना है। क्योंकि देखो, आप तो हैकर नहीं हो कि भाई मतलब सब गोली आपका हेड में लगेगा। बाई चांस अगर बॉडी में लग गया और उसका हेल्थ कम है, तो वो ऐसे ही मर जाएगा और आपका बॉडी शॉट का किल आ जाएगा। तो इसी वजह से पहले सामने वाले बंदे को एकदम फुल हेल्थ करने देना, फिर उसके बाद उसको हेडशॉट मारना। तो गाइस अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में ना मैं गाइस आप लोग को कुछ ऐसा गन्स के बारे में बताऊंगा जिसको आपको अवॉइड करना है, मींस आपको यूज नहीं करना है। जब आप गेम खेलोगे ना, इस गन को यूज मत करो, क्योंकि गाइस इस गन में ना ज्यादा हेड नहीं लगता है। तो पहला नंबर गन है कि चार्ज बूस्टर। ये जो नया गन आया ना, शॉर्ट गन की तरह काम करता है, मींस चार्ज करके मारना पड़ता है। आप देखोगे ना, इस गन में ना आपका हेड शॉट ही नहीं लगता, क्योंकि इसमें ना डिफॉल्ट जो एम होता है ना, वो नहीं कनेक्ट होता बंदे के साथ। तो गाइस इस गन को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आप लोग हेड शॉट रेट को इंक्रीज करना चाहते हो। मुझे पता है ये गन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हेल्पफुल भी है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये गन को यूज मत करो, क्योंकि आपका हेड शॉट रेट डाउन हो जाएगा। अभी बताऊंगा एक और गन, जो कि भाई आप में से बहुत सारे बंदों का फेवरेट भी हो सकता है, लेकिन भाई उसमें हेडशॉट ही नहीं लगता ज़्यादातर, मीन्स 70% बॉडी शॉट लगता है। वो है हमारा AWM। अगर आप PC प्लेयर हो, देखो यार PC में खेलते हो तो आप लोग AWM बहुत ही सही चलाते हो, लेकिन मोबाइल प्लेयर में ना जो लोग खेलते हैं AWM, लेकिन मुझे पता है बहुत एक्यूरेट प्लेयर होता है, लेकिन भाई हेडशॉट ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि आप स्कोप ओपन करके मारते हो रनिंग बंदे को, तो 150 का बॉडी शॉट ही लगता है। तो आपको भाई AWM अवॉइड करना है, लेकिन आप अगर सही खेलते हो, सही में बहुत ही तगड़ा AWM से खेलते हो, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना गाइस? ये AWM, लेकिन चार्ज बूस्टर को तो यूज़ मत ही करो, चार्ज बूस्टर में हेड ही नहीं लगता है, ठीक है? तो ये दो गन मेरा हिसाब से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए CS में। अभी बढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 4, गन्स एट्रीब्यूट। अभी बहुत सारा बंदा बोल सकता है ये क्या भाई, देखो यार गन्स की जो स्किल होता है ना, आप सभी को तो पता है आपका जो गन्स कलेक्शन है उसमें हर एक गन का एक एक एबिलिटी होता है। तो मैं कुछ खास एबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आपको यूज भी करना है और कौन कौन एबिलिटी को आपको यूज नहीं करना है। तो यार पहला नंबर पे पॉइंट है, आपको हमेशा रेट ऑफ फायर प्लस वाला गन स्किल यूज करना है। लेकिन देखो यार, रेट ऑफ फायर वाला गन स्किल में क्या होता है ना, आपका हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग हमेशा ट्राई करो, जिन जिन गन में रेट ऑफ फायर प्लस है वो स्किन को यूज करो, तो आपका हेडशॉट लगने का चांस एकदम इंक्रीज हो जाएगा। गाइस जो फिफ्थ नंबर ठीक है वो है, देखो अगर आप लोग अपना हेडशॉट रेट बढ़ाना है, तो आप लोगों को थोड़ा अपना दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
रहेगा, एकदम बंदे के एकदम पीछे रहना है, और जब भी बंदा एकदम सीधा खड़ा रहेगा आप लोगों को चुपके से निकल के उसको हेडशॉट मार देना है। मतलब आप लोगों को फ्लैंक करना है, आप लोग एकदम पीछे से घूम के जाओ, और पीछे से अगर आप लोग घूम के जाओगे तो बंदा आपका लोकेशन भी स्पॉट नहीं कर पाएगा, और वो बंदा सीधा खड़ा हो आपको तो पता नहीं है, मतलब उस बंदे को तो पता नहीं है कि आप उसके पीछे खड़े हो। और जब भी मतलब सही मौका आएगा, बंदा एकदम सीधा खड़ा है, आप लोगों को सिंपली बाहर निकल के उसको वन टैप दे देना है, और आप लोगों को मतलब थोड़ा दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा, थोड़ा छुप छुप कर खेलना पड़ेगा। अगर हेडशॉट रेट बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तो आप लोग ज्यादातर फ्लैंक कर सकते हो। गाइस जो 6 नंबर ट्रिक है उसको बताने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना, और गाइस ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दो। गाइस जो 6 नंबर ट्रिक है वो है, तो अगर कोई बंदा बॉडी शॉट में ही नॉक हो जाता है, आप अगर फायर कर दो और बंदा बॉडी शॉट में ही नॉक हो जाता है, तो तब आप लोगों को क्या करना है, उस जगह से भाग जाना है और उस बंदे को रिवाइव होने देना है। जब भी वो बंदा पूरा रिवाइव हो जाएगा और पूरा अपना हेल्थ फुल कर देगा, फिर उसको हेडशॉट मारना है, क्योंकि देखो आप तो हैकर नहीं हो कि जो ही गोली मारोगे सभी हेड ही जाएगा, तो बंदा बॉडी में भी नॉक हो सकता है। तो जब भी बॉडी में नॉक हो आप लोगों को क्या करना है, अपने टीममेट को बोल देना है कि उस बंदे को भाई रिवाइव होने दो, फिर एक बार रिवाइव होने के बाद आपको उसको हेडशॉट मारना है। गाइस जो आज का बोनस ट्रिक है वो है, देखो जब भी आप लोग डेजर्ट ईगल से वन टैप मारते हो आप लोगों को क्या करना है, एक गोली मार के फिर से मतलब डेजर्ट ईगल को रीलोड कर देना है और फिर से फायर करना है। इससे क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो स्टेबल रहेगा और आप लोगों का हेडशॉट लगने का जो चांस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक गोली डेजर्ट ईगल से मारो, फिर से रीलोड करो डेजर्ट ईगल को, फिर से और एक गोली मारो, तो ऐसा जब भी आप लोग करोगे देखना हेडशॉट आपका बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। और गाइस आप लोग फटाफट मेरे को कमेंट कर दो कि आपका करेंटली अभी हेडशॉट रेट कितना है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी जरूर से बता देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जो करना है भाई जरूर से कर देना। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.